रिजल्ट आया है, अब उसके बाद सबकी आर्थिक स्थिति का भी, एक एक परिवार का भी ले लिया गया, तो कर के भी सब कुछ उसको भी कर रहा, सबको जानकारी भी दे देगा और कुल मिला करके कल प्रेजेंट करवा देंगे एक एक जगह। और इसके बारे में हम लोग जो उसके हित में कोई भी काम, सभी जातियों का ही नेम कर है, आगे सबके हित में जो भी काम करना है उसका जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातिधारित गणना की जो रिपोर्ट जारी कर दी गई है, बिहार में सरकार ने अपने संसाधनों पर अपने खर्चे पर बिहार में कास्ट सर्वे कराया, जातिधारित गणना कराई, हालांकि कई बार कानूनी दाव पचरे में भी बिहार सरकार को फंसना पड़ा, लेकिन फिर भी अब जब रास्ता साफ हो गया, कोर्ट की ओर से मंजूरी मिल गई, तो बिहार में जातिधारित गणना पूरी करा ली गई 500 करोड़ रुपये के खर्च पर। अब ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जातिधारित गणना की रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद क्या कर रहे हैं, सभी दल के नेताओं को साथ बैठाकर उस रिपोर्ट को भी देंगे, क्योंकि विधानमंडल से सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ था, नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं जरा सुनिए। की बात है, जानते हैं बता दिया गया, पब्लिश कर दिया गया, और आपको तो हम देखे जैसे ही पब्लिश होगा तो 9 पार्टियों की सहमति से सब हुआ है, उसको भी हम बुला करके और उनके सामने जितना काम हुआ है उन सब चीज को भी उनके सामने प्रेजेंट करेगा, और जितना सब कुछ ज्ञान मिला है आज तो सबको बता दिया गया है, सब लोगों को दिया जाएगा ताकि आप लोग भी जानिए। तो कल ही हम 3:30 बजे दिन में ही 9 पार्टी के लोगों से हमने बात कर लिया, कंटिन्यू मीटिंग करेंगे। सर सवाल ये है, आर्थिक सर्वे नहीं है, सबसे ज्यादा संख्या जो है, सबसे ज्यादा संख्या लगभग 37% अति पिछड़ी जातियों की है, तो क्या आपने जो अति पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए काम किया, आपको क्या और भी नया कुछ पॉलिसी प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करेंगे उनके लिए? सब कुछ का जो कराया गया सर्वेक्षण, तो ये पूरा का पूरा करके रिजल्ट आया है, अब उसके बाद सबकी आर्थिक स्थिति का भी, एक एक परिवार का भी ले लिया गया, तो कर के भी सब कुछ उसको भी कर रहा, सबको जानकारी भी दे देगा और कुल मिला करके कल प्रेजेंट करवा देंगे एक एक जगह। और इस बीच में किसी की मान लो कि उसका रिजर्वेशन पढ़ाने का संख्या बढ़े या कुछ और हो, किसी के लिए भी अब आप देख रहे हैं अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या बढ़ी है ना, पहले तो ना भाई 10 वाला फिगर लगे ना 16% और 1% से थोड़ा कम 1% अब बढ़ करके बढ़ा है ना, देखिए ना फिगर, उनको भी फायदा है तो बाकी सबको लाभ मिले। किस तरह का लाभ मिलेगा? अरे इसी बात सबके मीटिंग में एक एक बात को रख देगा और उसके बाद सब लोगों का राय लेकर के और सरकार की तरफ से जरूरी होगा आगे कदम उठाएंगे, आप उसकी चिंता मत करिए। कदम क्या होगा सर? कल मीटिंग प्रधानमंत्री राहुल गांधी ने भी कहा है कि जाति ने विश्वकर्मा योजना लागू कर दी अति पिछड़ी जातियों के लिए, अति पिछड़ी जातियों की संख्या बढ़ गई बिहार में सबसे ज्यादा है, तो आप क्या प्रधानमंत्री को काउंटर करने के लिए क्या लागू करने जा रहे हैं? हमको कोई पता नहीं क्या लागू, हम तो आपको कह रहे हैं कि जो हम लोग बिहार में कर रहे हैं और कोई आज तक किया है बिहार में जितना बढ़िया होगा, और इसके बारे में हम लोग जो उसके हित में कोई भी काम, सभी जातियों का ही नेम कर है, एक ही बात हम नहीं कह रहे, सबके हित में जो काम आगे बढ़ेगा तो वो हम लोग करेंगे, और बाकी उन लोगों को अभी तक नहीं किए बोलिए ना भाई, 10 में तो मान लीजिए कि जाति आधारित नहीं था, हम लोग का बात नहीं माना, तो जनगणना तो होना चाहिए था ना, तो नहीं ना हुआ। आरक्षण का दायरा भी बढ़ाया जाएगा क्या? आबादी के अनुपात में आरक्षण बढ़ेगा, कहिएगा वो उचित नहीं है। कल हम सबके सामने जो रिपोर्ट आई है ये प्रेजेंटेशन हो जाएगा और जो स्थिति है उसके आधार पर जो भी आगे बढ़ाना है काम करना होगा तो उसके बारे में राहुल गांधी देंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं एक एक बात को रख देना जरूरी है और उसके बाद जो कुछ भी करना होगा वो हम लोग आगे बेहतर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी कुछ कहना ठीक नहीं, कल भर जरा सा हो जाने दे। देश स्तर पर मांग हो रही है राहुल गांधी कल के बारे के बाद धीरे धीरे आपको पता चलेगा। राहुल गांधी की मांग है देश स्तर पर होना चाहिए, देश स्तर पर जातीय गणना होना चाहिए, राहुल गांधी अब ये कह रहे हैं। करना ना चाहिए, हम क्या करें सब
हम लोग तो आज से डिमांड कर रहे हैं, देश स्तर पर होना चाहिए। आज से हम लोग डिमांड कर रहे हैं, जरा सा हमारा पुरनका देख लीजिए 89 का, और आप देख लीजिए तब का क्या कितना ज्यादा हम हाउस में, जब हम मंत्री थे और तब भी कितना बोले थे कि होना चाहिए। इसीलिए समझिए शुरू से हम लोग इस बात को कह रहे हैं। सर आपके गठबंधन से ये डिमांड हो रहा है कि जितनी जितनी आबादी जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी से ये डिमांड। यही ना, आप हमसे अभी मत पूछिए, सारा चीज जो रिपोर्ट है सबके सामने आएगा, और रिपोर्ट आ जाने के बाद आगे सबके हित में जो भी काम करना है उसका निर्णय लिया जाएगा। सर क्या ये लगभग वही है, बीजेपी के हिंदुत्व प्लान को काउंटर करने के लिए मंडल पार्ट 2 रिविजिट कर रहे हैं आप लोग? देखिए वो लोग क्या करते हैं कोई मतलब है, किसी चीज को कर रहे हैं आप लोग जो बोल रहे हैं। हिंदुत्व में क्या कुछ हो रहा है, मुस्लिम हो कि हिंदू हो किसी के लिए कोई काम हो रहा है? मुस्लिम के खिलाफ तो है लेकिन हिंदू में कोई काम हो रहा है? आप जरा बताइए तो क्या काम किए हैं शेड्यूल कास्ट का, क्या काम किए शेड्यूल ट्राइब का? अति पिछड़ा को अभी भी मान्यता दिए हैं पूरे देश में, बोलिए पिछड़ा ही न है, अति पिछड़ा तो बिहार में है, तो इसीलिए ये सब उनको क्या आइडिया है, कोई आइडिया है? सर सुन लीजिए, आप मानते हैं कि सबसे ज्यादा पिछड़ा है? 9 पार्टियां एक साथ हो करके सब किए थे ना, आज भी हम सबको बुला दिए, आ जाइए सब बता दिया जाएगा। और आर्थिक आंकड़ा कब आएगा, आर्थिक वाला जो पक्ष है? भाई हम तो बोल रहे हैं कल पहले जो चीज आया है वो करके प्रेजेंटेशन सब पार्टियों को कर दिया जाएगा, और उसके बाद पार्टी को जो आगे लोगों को विकसित करने के लिए जो भी काम करना है, आगे बढ़ाने के लिए जो काम करना है वो निर्णय लिया जाएगा, लेकिन उसमें फिर ज्यादा दिन नहीं लगेगा। उपजातियों का अरे भाई कल भाई अपने जलिया मत पूछिए, हर करने दीजिए, इसके बाद जो किया जाएगा बता दिया जाएगा। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर, बापू की जयंती के अवसर पर, एक तरफ जहां सरकार ने रिपोर्ट पब्लिश की है, वहीं नीतीश कुमार ने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद क्या कुछ कहा है जातिगत गणना की रिपोर्ट पर, आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।